ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या, कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बन चुका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश वो करता रहता है, हालांकि सीमा पर मुस्तैद खड़े भारतीय जवान उसके हर बार मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। एक ऐसी ही पाकिस्तानी कोशिश जवानों ने फिर से नाकाम की है, जिसकी लाइव तस्वीर हम आज आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल सैनिकों को किशनगंगा नदी के तट पर एक संदिग्ध आवाजाही का पता चला, जवान हरकत में आए और तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जवानों ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के बाद ये पता चला कि ये नदी के दूर किनारे से रस्सी से बंधे ट्यूब से कुछ सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें दो तीन आतंकवादी शामिल थे और जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे तो ये हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। ये सब कुछ हुआ उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में, और इस दौरान 4 AK-74 राइफल, 8 मैगजीन, 240 AK राइफल की गोलियां बरामद की गई। अब लाइव इन तस्वीरों में देखिए कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी और घुसपैठ पाकिस्तान कैसे करता है, और हर बार उसे कैसे हम नाकाम करते हैं, और हमारे सुरक्षा बल उसे कैसे नाकाम करते हैं। जीओसी चिनार कोर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने बताया कि इस साल घुसपैठ की बहुत हद तक कोशिशों को नाकाम किया गया। पिछले साल घुसपैठ का आंकड़ा 130 के आसपास था और इस साल ये आंकड़ा 30 से कम है। एलसी के ऊपर फिलहाल हालात काफी कंट्रोल में है। मैं बताना चाहता हूं कि सीज फायर वायोलेशन थोड़ी बहुत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं। जैसे पिछले साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है। इतना बदलावट आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बदौलत अंदरूनी हालात में भी काफ़ी सुधर आएगा। हाल ही में आज सुबह किरण सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार, आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफ़ी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है, और हमारे जवान जो सतर्क थे, हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की मदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है, और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे है उसका इलाज हम करेंगे। एक बात तो तय है कि चाहे हजारों बार पाकिस्तान कोशिश कर ले, लेकिन हम उसे कल भी मात देते थे, आज भी मात देते हैं और आगे भी मात देते रहेंगे। और एक खास बात पाकिस्तान के लिए कि सीमा पर केवल हिंदुस्तान जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी निगरानी करता है, इसलिए अब भी वक्त है, सुधर जाओ पाकिस्तान और अपने मुल्क का भला करने की सोचो।